मेरे साथ गलत हुआ है, आदिल खान दुरानी ने किया है, मुझे इतना मारा पीटा टॉर्चर किया है शादीशुदा जिंदगी में। राखी ने दिया अपने एक्स आदिल को करारा जवाब। शर्म आनी चाहिए, लानत है इसके, थूकती हूँ इसके मुंह पे। उसने मुझे कभी शॉपिंग नहीं कराई, मेरे पे एक रुपया खर्च नहीं किया। मैं आपको ये बोलती हूँ, उसको ये तो पूछे जो तेरा कार्ड है क्या इंटरनेशनली चलता है। राखी ने कहा आदिल ने उन्हें फेम के लिए किया यूज। मैं देश की जनता को कहना चाहती हूँ, उसने मेरा इस्तेमाल किया हीरो बनने के लिए, बॉलीवुड में आने के लिए, बिग बॉस में जाने के लिए, उसने मेरे इनोसेंस का फायदा उठाया। राखी ने कहा मार पीट कर उन्हें करवाया गया इस्लाम कबूल। पहली बात तो इस्लाम कबूल कराया, मार मार के दो तलाक उसने मेरे मुंह पे मारे हैं, तीसरा नहीं दिया है। राखी सावंत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने एक्स हस्बैंड आदिल खान पर लगाए आरोप का दिया करारा जवाब। इनका एक बंदा आया, मैं आदिल रूम में थे, बाहर से लॉक मार के चला गया। 3 घंटे लगे उसको मेरे कपड़े फाड़ने में, सारी चीजें करने में। मैं दुनिया की लड़कियों को न्याय दिलाती हूँ, मैं कैसे बाहर जाके बोलूं कि मेरे साथ क्या हुआ है, कौन मानेगा। दरअसल राखी सावंत के एक्स हस्बैंड आदिल खान 5 महीने जेल में रहकर बाहर आ चुके हैं और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राखी पर कई एलिगेशंस लगाए थे, जिसका जवाब अब राखी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया है। मेरा मैरिज डिनाई किया था, उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा मिसकैरेज हुआ जो किसी को भी चलते चलते भी हो जाता है। मैं डॉक्टर के पास कोई अबॉर्शन कराने नहीं गई थी, वो पाप है, वो गुनाह है, आदिल के टॉर्चर के वजह से मुझे हुआ था। राखी ने कहा कि शादी के 5 महीने बाद ही आदिल ने उन्हें फिजिकली अब्यूज करना शुरू कर दिया था और कई बार उन पर हाथ भी उठाया था। आदिल ने मुझ पे इतनी मार पिटाई करी थी। यही नहीं, आदिल पर सीरियस एलिगेशंस लगाते हुए राखी सावंत ने कहा कि आदिल ने उन्हें फोर्सफुली इस्लाम भी कबूल करवाया था। पहली बात तो इस्लाम कबूल कराया, मार मार के। आदिल खान ने राखी पर यूट्रस रिमूवल ऑपरेशन करवाने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा मैं मां नहीं बन सकती, मेरा यूट्रस निकाल दिया गया। जिसके बाद राखी ने अपनी साइड की स्टोरी को भी क्लियर किया। एंड इट वाज हर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर वीना शिंदे हु रिवील्ड दैट इट वाजंट अ यूट्रस रिमूवल सर्जरी बट रादर इट वाज द ग्रोथ ऑफ फाइब्रॉइड्स इन हर यूट्रस व्हिच वाज रिमूव्ड। ऐसे में राखी ने अपने डॉक्टर से ये भी पूछा कि क्या वो मदर बन सकती हैं, तो इस पर उनकी डॉक्टर का जवाब हाँ रहा। यही नहीं, राखी सावंत आल्सो चैलेंज्ड आदिल टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ हिज डेथ थ्रेट एलिगेशंस। पर जाहिर तौर पर राखी और आदिल की वॉर अगली होती जा रही है, ये दोनों ही एक दूसरे पर कई सीरियस आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि इनका ये झगड़ा आगे क्या रूप लेता है। बड़े ही ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूँ आधिकारिक तौर पर कि आज भी आदिल राखी को अपनी बीवी मानता है और बहुत प्यार करता है। ये उसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है, और इसको आप नोट कीजिए। ये आज की बात कर रहा हूँ। शनाया कपूर ने एक्टर मोहन लाल के साथ फिल्म का फर्स्ट शेड्यूल किया रैप। मैसूर में चल रही थी ऋषाभा की शूटिंग, शनाया को अब फिल्म के लंदन शेड्यूल का है इंतजार। संजय कपूर और महीप कपूर की डॉटर शनाया कपूर के लेजेंडरी एक्टर मोहन लाल सिंह के साथ अपनी डेब्यू फिल्म हासिल करने पर कई सवाल खड़े हो गए थे और अब देखिए ऋषाभा के फर्स्ट स्केड्यूल की शूटिंग भी खत्म हो चुकी है। इस बात की अपडेट खुद एक्ट्रेस शनाया कपूर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए दी। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग मैसूर में चल रही थी, पर अब जब फिल्म का पहला स्केड्यूल रैप हो चुका है तो शनाया फिल्म के नेक्स्ट स्केड्यूल को लेकर भी काफी एक्साइटेड नजर आ रही हैं, जो कि लंदन में अगले महीने से शुरू हो जाएगा। इस बात का जिक्र भी शनाया कपूर ने अपने पोस्ट में किया है। उन्होंने एक्टर मोहन लाल की एक पिक्चर शेयर की एंड रोट फर्स्ट स्केड्यूल डन विद मोहन लाल सर, इट वॉज एन ऑनर टू शेयर द स्क्रीन विद यू सर, कांट वेट टू गेट स्टार्टेड विद द फाइनल स्केड्यूल इन लंदन नेक्स्ट मंथ। वैसे शनाया शुरू से ही इस फिल्म को लेकर बेहद खुश हैं और ऐसा हो भी क्यों ना, एक तो शनाया की ये डेब्यू फिल्म है और दूसरी तरफ अपनी पहली ही फिल्म में उन्हें साउथ के जाने माने एक्टर मोहन लाल के साथ काम करने का मौका मिला है। इसे लेकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए शनाया पहले भी कह चुकी हैं, आई एम हाईली एक्साइटेड टू फेस द कैमरा एंड बिगिन शूटिंग,
There will be so much to learn and explore from this film. The storyline is a fascinating one, which has stayed with me. Also, the film has all the big names associated with it, and it's being made on a massive scale. It's the kind of role any young actor would be excited and inspired to play, especially so early in one's career. It's a dream come true. And with Mohanlal sir on board, I feel honored to be part of Vrushabha, extremely grateful. इस फिल्म में मोहनलाल के अलावा जहरा एस खान और तेलुगु एक्टर रोशन मेका भी लीड रोल में हैं। द फिल्म इज एन एपिक एक्शन एंटरटेनर ट्रांसेंडिंग जेनरेशंस। वृषाभा को एकता कपूर प्रोड्यूस कर रही हैं, जबकि इसका डायरेक्शन नंद किशोर का है। लास्ट मंथ फ्लोर पर गई ये फिल्म अब अपने नेक्स्ट शेड्यूल के लिए भी तैयारी कर रही है। ये एक्शन पैक्ड फिल्म 2024 में रिलीज होगी। क्या आप भी बॉलीवुड ब्यूटी शनाया के साउथ डेब्यू को लेकर उतने ही एक्साइटेड हैं जितना कि वो खुद? डू शेयर विद अस ऑन सोशल मीडिया। एक देसी इंसान हमेशा जीतता है क्योंकि देसी इंसान हमेशा दिल से खेलता है। प्रिंस नारुला और गौतम गुलाटी के बीच फिर से हुई हीटेड आर्ग्यूमेंट। दरअसल ये दोनों सेलेब्स रोडीज के ऑनगोइंग सीजन में एज गैंग लीडर्स नजर आ रहे हैं और आए दिन शो में गौतम और प्रिंस के बीच टकराव देखने को मिलता ही रहता है। शो के एक अपकमिंग एपिसोड में भी दोनों के बीच वॉर ऑफ वर्ड्स देखने को मिलेगा एज प्रिंस विल स्पीक टू गौतम इन अ डिसरिस्पेक्टफुल टोन। तेजस्वी प्रकाश को पोस्ट योगा सेशन किया गया कैमराज में क्लिक। इस दौरान उन्होंने स्वीटली योगा सेंटर के बाहर वेट कर रहे अपने फैंस के साथ भी पोज किया। वेल, तेजा का ये अंदाज उनके फैंस का दिल छू लेता है। राखी सावंत के सपोर्ट में आए उनके ब्रदर राकेश सावंत। दरअसल जेल से बाहर आने के बाद राखी के एक्स हस्बैंड आदिल खान ने उनके ऊपर कई तरह के एलिगेशंस लगाए, जिसका जवाब यूं तो राखी ने भी दिया है, पर अब उनके ब्रदर राकेश सावंत ने भी आदिल के एलिगेशंस पर स्ट्रॉन्गली रिएक्ट किया है एंड सेड, मैं ये सारी कहानी बहुत पहले से जानता हूँ। उसने राखी का जीवन बर्बाद करके रख दिया है, जो एक अच्छी खासी जिंदगी जी रही थी उसको तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है आदिल ने। आदिल कैसे मारता था राखी को, टॉर्चर करता था, कैसे वीडियोस बनाता था एंड सारी चीजें उसको दिखा के कि मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, इंस्टा पे डाल दूंगा, मैं तेरे करियर को बर्बाद कर दूंगा, ये सारी बातें जब मुझे पता चली मुझे लगा कि मैं खुद उसको मार दूं। राकेश ने कहा कि आज राखी के पास पैसे नहीं है और ना ही कोई उसके साथ है, मीडिया की राखी को बहुत जरूरत है। उन्होंने आगे रितेश राज सिंह के साथ राखी के बॉन्ड पर भी बात की एंड ही सेड, लॉकडाउन में जितनी हेल्प रितेश ने की राखी के लिए, रितेश ना मम्मी का बहुत सपोर्ट किया, जिस तरह राखी ने किया उतना वो भी किए। राखी का उसने ब्लू फिल्म्स बना के दुबई में करोड़ में बेचा है, वो रो रही है अब, उसने अपने आप को संभाल नहीं पा रही है, मैं अब दिल्ली में हूँ, नहीं जा पा रहा उसके पास, मैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों को बोल रहा हूँ कि उसको सपोर्ट करो।